तो हे गाइस, दिस इज इंडियन नोवा बस अगेन। एंड यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने पीसी में पबजी पीसी लाइट को डाउनलोड करके खेल सकते हैं। बहुत से लोगों को एरर वगैरह आ रहा है, जैसे उनका वीपीएन कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर गेम चलाते टाइम कोई एरर आ जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा सबसे अच्छा वीपीएन है जिसे यूज करके आप पबजी पीसी लाइट को बड़े आराम से खेल सकते हैं। तो बस आप वीडियो को यार पूरा देखते रहना और अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आप अपना यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लीजिए, कोई भी, जैसे मैंने क्रोम कर लिया। और यहाँ पे आपको सर्च करना है गरेना, ये क्या यहाँ पे लॉन्चर है जिसमें आपको पबजी पीसी लाइट को चलाना है। यहाँ पे इसे ओपन कर लीजिए पहले वाले लिंक को। यहाँ पे लॉगिन वाला जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी आईडी को क्रिएट कर लेना है। जैसे कि आप ऑप्शन देख सकते हैं, रजिस्टर ए न्यू अकाउंट, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस है यार, जैसे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह टाइप करके अपनी ईमेल आईडी को आप वेरीफाई करवा दीजिए। इसके बाद आप फिर से बैक आ जाइए और यहाँ पे आपको ये जो प्लेटफॉर्म वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक विंडो वाला एक एंड्रॉयड। तो भाई हमें विंडो से काम है तो विंडो पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये जो डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है इस पर क्लिक करिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद इसे आपको ओपन करना है और अपने पीसी में इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल का भी वही सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए और इसे इंस्टॉल कर दीजिए। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा आपको इसे अपने पीसी में ओपन कर लेना है और यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। लेकिन एक मिनट यार, यहाँ पे आपको लॉगिन बिल्कुल भी नहीं करना है। यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डाल के इसे रिमेम्बर पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए और लॉगिन करने के बजाय आपको अपने क्या करना है, जहाँ पे नीचे आपको राइट हैंड साइड में टाइम वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे कुछ, तो यहाँ पे जो एडजस्ट टाइम का ऑप्शन है, एडजस्ट डेट एंड टाइम वाला, आपको इसमें जाना है। यहाँ पे आपका टाइम जो है वो आपके हिसाब से सेट होगा, जिस जोन में भी आप हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना होगा और यहाँ पे एक सिंगापुर वाला ऑप्शन दिखाएगा, +8 में है ये, आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। और इसके बाद आपको अपने ब्राउजर में एक वीपीएन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है प्रोटोन वीपीएन। चलिए मैं इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, गेट प्रोटोन वीपीएन नाउ पर क्लिक कर दीजिए। इसे क्लिक करने के बाद थोड़े से आपको यहाँ भी प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसे आपको अपना, या तो आपकी आईडी बनी नहीं है तो आपको अपनी आईडी को क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे गेट फ्री वाले में जाइए, यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल के आईडी क्रिएट कर लीजिए। मेरी पहले से ही यहाँ पे आईडी बनी हुई है तो मैं इसे फटाफट से यार लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये जो आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइड में, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसे विंडो के हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए इसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा डाउनलोड फॉर विंडो, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लें। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद इसे आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसे भी आपको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। वही नॉर्मल से स्टेप हैं जो हर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते टाइम होते हैं, तो इसे फटाफट से यार इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको इस वीपीएन को ओपन करना है, अपनी आईडी और जो आपने पासवर्ड बनाया है उसके हिसाब से यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कुछ कंट्री दिख रही होंगी, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है सिंगापुर। तो सिंगापुर में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे नीचे की साइड आपको मिल जाएगा। सिंगापुर में जाने के बाद यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन इसमें ये जो प्रीमियम वाले ऑप्शन है जिनके आगे पी लिखा है, इसमें 3 या 4 जो भी आप चाहें उससे आप इसे कनेक्ट कर लें। थोड़ा सा टाइम ले लेगा ये भी कनेक्ट होने में, लेकिन बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे वीपीएन कनेक्ट हो चुका है। ओके, जैसे ये कनेक्ट हो जाता है उसके बाद आपको गैरेना में जाना है और यहाँ पे ये जो लॉगिन वाला ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे गेम वगैरह जो भी होंगे। यहाँ पे आप सेटिंग में जाके एक बात को कंफर्म कर लें, आपका जो यहाँ पे कंट्री है वो थाईलैंड होना चाहिए और आपका जो आईपी एड्रेस है वो वीपीएन के हिसाब से सिंगापुर होना चाहिए। यहाँ पे आपकी अपनी कंट्री नहीं आनी चाहिए, सिंगापुर आना चाहिए। उसके बाद ये जो पबजी पीसी लाइट वाला ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको इंस्टॉल का जो ऑप्शन मिलेगा 2 GB के करीब है, तो इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को स्किप करता हूँ जिससे आपको मैं जल्दी से आगे बता पाऊँ। ओके, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद यहाँ सिर्फ प्ले वाला जो ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। इस पूरे स्टेप में यार आपका जो वीपीएन है वो हर हाल में कनेक्ट होना चाहिए।
वरना आपके में पबजी पीसी लाइट नहीं चलेगा। बट आप यहाँ पे याद रखना, आपको यहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे आपने पबजी मोबाइल में अपनी आईडी बनाई थी, उसी टाइप से आपको अपनी आईडी यहाँ पे बनानी पड़ेगी कैरेक्टर वगैरह सेलेक्ट करके। मैं पहले से ही बना चुका हूँ, तो मेरा जो है ये डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे अभी आएगा कनेक्टिंग का। अगर आपको ये कनेक्टिंग का ऑप्शन कई बार दिखा रहा है और फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप एक बार अपना VPN को अच्छे से चेक करिए। लेकिन मैंने ये जो VPN आपको बताया ना, ये सबसे बेस्ट VPN है। मैंने और भी बहुत से ट्राई किए थे लेकिन उनमें दिक्कत थी, इसलिए मैं अब इसे ही परमानेंट यूज करता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कनेक्टेड हमारा लिखा गया और मेरा यहाँ पे लॉबी भी आ चुकी है। यहाँ पे आपको चलिए मैं एक फटाफट से मैच भी दिखा देता हूँ और उसका थोड़ा गेम प्ले भी दिखा दूंगा, जिससे कि आपको यार पूरा कंफर्म हो जाएगा हाँ भाई ये गेम चल रहा है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लेकिन अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट वगैरह या कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपने ग्रुप के लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ पर जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यार आई होप कि गेम अच्छे से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं काफी टाइम से खेल रहा हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही यार, मिलते हैं जल्दी अपने एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड।